गुस्सा आ था क्योंकि मैंने स्टैंड पर और आज मैं पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करूंगी कुछ। hey guys, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज का ब्लॉग हो रहा है शाम के 4 बजे से स्टार्ट, और अभी मैं आ रखी हूँ खेत में। खेत में मैं इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि खेतों में पानी लग रहा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसा लगता है पानी। ये देखो ऐसा जाता है नहर में, मतलब ये बनी होती ना डॉल टाइप की, इसमें पानी जाता है। तो आज पानी आ रहा है ना, तो काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं उनके लिए कि पानी दे दो, तो उन्होंने आज दिया। तो देखो कैसा आ रहा है पानी। तो अभी मिस्टर जी नीचे हैं, तो मैं तो मतलब आ गए थे मिस्टर जी 1:30 बजे के टाइम पे, तो अभी वो शाम को घर पे ही है ना, तो इसलिए जिस दिनों घर पे रहते हैं हम उनको कुछ ना कुछ काम बता देते हैं ना, हमारे लिए हल्का हो जाता है कुछ, तो इसलिए आज हमने उनको वहाँ भेज रखा है पानी के लिए। मैं तो लगाती नहीं क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कैसे लगाते हैं, पर इतना गंदा पानी आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये आ रहा है ऊपर से पानी, ये देखो, और ये कितना गंदा पानी होता है क्योंकि ये बहुत दूर से आता है ना, जो क्या बोलते हैं इसके लिए ट्यूबवेल होता है ना ऊपर, तो वहाँ से वहाँ सड़क से और फिर इधर नालियों में आता है, और ये हमारे खेतों में जाएगा उतने नीचे तक जहाँ तक हमारे खेत है। वो देखो उस वाले खेत में छोड़ रखा है मिस्टर जी ने। तो देखो अरे ये हमारा लेटा पकने वाला है, और इसमें भी गेहूँ बोएंगे, बाकी हल लगा के छोड़ रखे हैं खेतों को क्योंकि इसमें गेहूँ बोएंगे ना अभी 2-4 दिन में। मम्मी नीचे है, और आज मैं पानी के साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी कुछ। तो मैंने ये पन्नी ला रखी है, पर पानी इतना गंदा है कि मन ही नहीं कर रहा हाथ डालने का। दोस्तों ना मुझे मिल गया थोड़ा सा साफ पानी, देखो यहाँ पे साफ पानी आ रहा है ना, क्योंकि वो नीचे जाते जाते वैसा हो गया था ना मटमैला कलर का, क्योंकि वहाँ नीचे मिट्टी खोद रखी थी, नाली बना रखी थी इसलिए। और तो मैं कुछ कर रही हूँ पानी के साथ, देखती हूँ कैसा रहता है ये एक्सपेरिमेंट। मंदिर में भजन लग गए हैं, और हमारे घर पे आ रखी है कुक्कू, तो वो इसके साथ खेल रही, क्या इसका नाम गुची के साथ खेल रही है। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपेरिमेंट था आपने देखा कैसा हो लग रहा था, क्योंकि ना मतलब पन्नी के अंदर ना धुंधला सा आ रहा था और अंधेरा भी हो गया था, इस वजह से वो ऐसा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था खास अच्छा, क्योंकि साफ पानी नहीं था ना इसलिए। तो अब मैं दिखाती हूँ कुक्कू को और अपनी गुजी। ये है गुजी और कुकू, हाय करो। आप क्या कर रहे हो? गुजी के साथ खेल रहा हूँ, खेल रही हूँ, काटने नहीं मुझे। कुकू को ना हमारी गुजी अच्छी लगती है इसलिए वो रोज खेलने के लिए आती है इसके लिए, इसके साथ। और ये गुजी भी ना इसको बहुत अच्छा मानता है इसलिए वो उसके साथ खूब खेलती है, हमारे साथ नहीं खेलती, हमसे वो डरती है क्योंकि हम उसको मारते हैं ना, ये उल्टा काम करती है। मेरा कुर्ता काट रही है, कुर्ता काटने के लिए आ रही है, ये तो मेरा पैर काटती है। गुची, 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 गुची। कान देखो इसकी, लंबे लंबे कान, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी पैर, छोटी छोटी। गाइस ना कुकू इसको लोरी सुना रही है, देखो कैसे सुनाती है। कब कहा तुम तुझे लगी जुकाम, इसलिए डॉगी को भी लग सकती है।
वो तो खेल ही रहे हैं, तो मैं अपना काम करती हूँ। अभी रात के खाने की तैयारी करते हैं और कुछ नहीं हो रहा बाकी। तो गाइज आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और मैं तैयार हो रखी हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। तो अभी दूसरी वाली छत में पापा है ना, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही। तो मेरे को इतनी शर्म आ रही ना, पापा को देख के बोलेंगे पता नहीं क्या बन के आ रखी है। तो आज मैं वीडियो बना रही फिर से। अभी मैं नीचे आ गई और मेरी वीडियो नहीं बनी क्योंकि मेरे साथ कोई है ही नहीं वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि मैंने स्टैंड पर रखा था फ़ोन, मतलब रिंग लाइट पे, तो उसमें दूर का कैमरा ऐसा धुंधला सा आ रहा था। तो मैंने अगर कोई होता हमारे घर में तो मैं वीडियो बनाती, पर मेरी वीडियो नहीं बनी। मैंने जब 2 घंटे हो गए छत में, कभी कैमरा उधर कर रही कभी इधर कर रही, बस ऐसे में 2 घंटे बीत गए और मेरे तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बुरा लग रहा है मेरा मेकअप, इतना मेकअप करने में दोस्तों 1 घंटा लग जाता है ना, जो करता होगा उसको पता होगा। तो अब मैं उतार रही हूँ अपना मेकअप और मुझे हो गई बहुत गर्मी, वैसे धूप तो चली गई है, क्या करें मेरी वीडियो नहीं बनी। अपना मेकअप उतारते हैं थोड़ा बहुत। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं चाय पी रही हूँ। तो मम्मी होने तो पी ली थी 4 बजे, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए चली गई थी तो वीडियो तो बनी नहीं। 5 बज गए, तो 1 घंटा हो गया मुझे जाए मतलब ऊपर जाके। और वैसे मैं 3 बजे से तैयार होती थी, तो 3 बजे से 5 बज चुके हैं, ना वीडियो बनी ना चाय पी, और अब चाय पी रही हूँ। तो आज मैंने ये पहन रखा है अपना नया हुड, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताना। तो जब मैं पहन के बाहर आई ना, तो भैया ने कहा कि भालू कहाँ से आ गए, तो आप लोग भी बताना मैं भालू जैसी लग रही क्या। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों आई होप आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।